स्टूडेंट्स, सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं टाइप ऑफ एरेज। जैसा कि आपके स्क्रीन पर इस स्लाइड से क्लियर हो रहा है कि एरे को जो कैटेगराइज किया गया है वो तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, सिंगल डायमेंशनल, डबल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल वो टाइप हुआ जो अब तक हमने पढ़ा, जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स में हमने, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था। तो ये सब अपने आप में, ये आपका इनपुट, असाइनमेंट, आउटपुट जो भी था वो सब सिंगल डायमेंशनल के लिए था, ठीक है। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं डबल डायमेंशनल के लिए। जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है बेटा, डबल डायमेंशनल, तो यहाँ से आप ये बोल देंगे कि अगर हम कहीं किसी ऐसे एरे की बात करें जिसमें डायमेंशन डबल हो जाए उसको हम डबल डायमेंशनल बोल देंगे, और जिसमें डायमेंशंस में मल्टी डायमेंशंस आ जाए, ध्यान रखना बेटा हमने डबल के बाद सीधा मल्टी लिया है, इसमें ट्रिपल या टेट्रा या पेंटा ऐसा इस तरह का कुछ नहीं है। बस सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम 16 बिट कंपाइलर में बात कर रहे हैं और हमारा मेमोरी मॉडल जो है वो टिनी मेमोरी मॉडल है, टाइनी मेमोरी मॉडल है, तो हम उसमें एरे के लिए जो मैक्सिमम एलोकेशन मेमोरी का ले सकते हैं वो 64 किलोबाइट है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप बोल देंगे कि अगर हम यहाँ पर इसका ये कन्वर्जन करके देखेंगे तो ये एक मेमोरी ब्लॉक के लिए जो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आपको अवेलेबल करेगा वो 65,536 होंगे। ये हमें ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि डबल डायमेंशन को पहले हम देखते हैं कि डबल डायमेंशन एरे का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, असाइनमेंट कैसे है, इनपुट कैसे करेंगे और उससे हम वैल्यूज़ को आउटपुट कैसे लेंगे, तो ये हमने नेक्स्ट स्लाइड में इसमें डिस्कस किया होगा। डबल डायमेंशनल जो, जैसा नाम से इंडिकेट है, डायमेंशन यहाँ पर डबल हो रही है हमारे पास, सिंटेक्स में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आपको डेटा टाइप मेंशन करना है, डेटा टाइप मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर एरे का नेम देंगे और उसके बाद जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं दो डायमेंशन हमारी यहाँ पर आ रही हैं, एक को मैंने D1 से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे को D2 से रिप्रेजेंट किया है। D1 जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगा रोज को, ठीक है। D2 जो रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंटेशन होगी हमारा किसका, कॉलम्स का। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है कि हमने एक इंटीजर टाइप का कलेक्शन बनाया जिसको आप ए नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ध्यान दें इसमें हमने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का बना दिया। आप बोलेंगे इसके अंदर हमने 3 तो रोज ली हैं और 3 ही कॉलम्स ली हैं, इसका इफेक्ट हमें क्या मिला बेटा। एरे के केस में बाउंड्रीज फिर दोबारा से लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, तीन बाउंड्रीज बन जाएंगी, 0, 1, 2, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी रो के लिए तीन आप बोल देंगे इंडेक्सेस हमारे पास आ गए 0, 1 और 2, जिसका इफेक्ट हमें क्या मिला कि हमारे पास तीन ऐसी रो हैं जिनके अंदर तीन तीन कॉलम्स हैं, ठीक है। आप कह देंगे इतने सेट हमने बेसिकली किया क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हमारे इन एलिमेंट्स का, और हमने कहा कि हमने इस तरह के या इतने एलिमेंट्स के इतने सेट्स बना दिए, ठीक है। तो तीन तीन कॉलम के तीन सेट बन गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ध्यान रखेंगे इसमें एक बात और बेटा, जो एड्रेसेस आपको मिलेंगे वो एड्रेसेस की थ्योरी एरेज के केस में, क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल है, तो जो मेमोरी एलोकेशन आपको होगी वो कंटीजुअस होगी और ये कन्फर्म है। जब भी हम एरे की बात करेंगे तो बेटा एरे के केस में हमें मेमोरी जो मिलेगी वो स्टैटिक टाइम पर एलोकेट होगी, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बोल देंगे इसको, जो कंपाइल टाइम पर आपको मिलेगी, और जो एड्रेसेस आपके इसके असाइन होंगे वो कंटीजुअस होंगे। जैसे हमने देखा अगर पहला एलिमेंट हमारा 1001 से रिप्रेजेंट हो रहा है तो नेक्स्ट एलिमेंट में और प्रीवियस एलिमेंट में जो हमारा गैप आ रहा है वो दो दो बाइट का, 1001 3 5 7 9, ये सीरीज फॉलो होती चली जाएगी। हमारे समझने में हम इसको बोल रहे हैं कि डबल डायमेंशन है, ठीक है, पर सिस्टम के अंदर जो एरेज बनेंगे, जो एरेज डिज़ाइन होते हैं वो इंटरनली लीनियर बनेंगे। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो 1005 के बाद फिर 7 और फिर 1011 के बाद फिर 13, ये इसी सीक्वेंस में ये एड्रेसेस हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से और देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर डबल डायमेंशनल एरे के अंदर असाइनमेंट करना हो, तो क्योंकि कमांड हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था इंटीजर A33, उसका हमें कुछ मेमोरी एलोकेशन कुछ इस तरीके से मिल गया, और इसके बाद जब आप असाइनमेंट करते हैं तो सिंगल डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन सिंगल थी इसीलिए आपने डायमेंशन वहाँ पर सिंगल रिप्रेजेंट किया,
यहाँ पर क्योंकि डबल डायमेंशन है तो आपने डायमेंशन दो दी, और ध्यान रखेंगे बेटा जो पहली वाली है क्योंकि वो कॉलम का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो आपने कहा कि भाई ये जीरो लिखने का मतलब मैं ये वाले पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, और जब आपने इसको रो से एसोसिएट कर दिया तो ये पर्टिकुलर इस रो से आगे, और जो भी बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन है हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक की वैल्यू कितना हो जाए 123। सेम इसी पैटर्न के ऊपर अगर मैं कहता हूँ A12, इसका मतलब हमने कहा कि भाई रो का सॉरी कॉलम का जो इंडेक्स है वो 2 हो गया, ठीक है ये हो गया। अब हम कहते हैं कि रो के लिए वैल्यू हमारा कितना हो गया 1 हो गया, तो हमने देखा कि इसका और इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्योंकि यहाँ पर है तो इसलिए इस पर्टिकुलर ब्लॉक की वैल्यू हमने कितना असाइन कर दिया 234 दे दिया। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें एरे को इनपुट कराने जा रहे हैं। 2D एरे हमने ये लिया जो प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था अभी यहाँ पर, अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ इनपुट करने जा रहे हैं। पैटर्न सेम वही रहा जो असाइनमेंट के तरीके से हमने यूज़ किया था, 00 इंडेक्सेस के साथ एसोसिएट करके। अब जब आप इनपुट कराएंगे तो इनपुट कराने के लिए एरे डिक्लेरेशन हमने जो स्पेसिफाई किया, क्योंकि 2D एरे की आप बात कर रहे हैं और 2D एरे के लिए यहाँ पर आपने 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। अब क्योंकि हमारे पास डायमेंशन 2 हैं तो बेटा मैंने इनके लिए 2 वेरिएबल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कराए, पहला वेरिएबल R जो रो के लिए वर्क करेगा, दूसरा वेरिएबल C जो कॉलम्स के लिए वर्क करेगा। अब क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिपीटेशन है और रिपीटेशन की वजह से हमने यहाँ पर यूज़ किया है लूप, और जैसा हमें क्लियर है यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 3x3 का है तो रो वाले पार्ट के लिए भी जो हमारे इंडेक्सेस वेरी करेंगे वो 0 से लेकर के 2 तक वेरी करेंगे। ऐसी अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो बेटा कॉलम के लिए भी जो इंडेक्सेस हैं वो हमारे 3 वेरी करेंगे जो 0, 1 और 2 से रिप्रेजेंट होंगे। इसीलिए मैंने जो लूप ये यूज़ किया है, पहले वाला रूट जो हमने यूज़ किया है यहाँ पर, ये इस लूप से कंट्रोल होंगी बेसिकली हमारी रोज़ का जो काउंट है वो, आप ये कह देंगे इससे हम रो को काउंट कर रहे हैं, और दूसरे वाला लूप जो है इससे हम कॉलम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है बेटा, अगर मैं पहली रो के लिए बात करता हूँ जिसके लिए मेरा इंडेक्स 0 है, यानी कि मैं ये पर्टिकुलर रो की बात कर रहा हूँ, और इसके लिए फिर जब आप कॉलम्स की बात करेंगे तो ये फिर 0 के लिए, ये 1 के लिए और ये 2 के लिए, ये इस तरीके से वर्क करेंगे। जब लूप हमारा स्टार्ट होगा R0 के लिए, क्योंकि मेरे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो R0 के लिए ही कॉलम मेरा वेरी करेगा 0 से लेकर के 2 तक। आप ये कहेंगे ये पर्टिकुलर लूप एग्जीक्यूशन से जो वैल्यूज हम इनपुट करने जा रहे हैं वो अपनी फर्स्ट रो के लिए इनपुट करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे, आप बोलते हैं R0 C0, तो इसका मतलब जिस एरे की मैं बात कर रहा हूँ उस एरे के जिस एलिमेंट को हम लेके चलने वाले हैं वो कौन हो गया 0 0, और इस इंटरसेक्शन से एलिमेंट हमारा कौन सा बना, ये वाला एलिमेंट बना। अब मान लीजिए यूजर वैल्यू इनपुट यहाँ पर करता है 1, तो 1 हमें कहाँ मिल जाएगा, 1 हमें ये पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर वैल्यू 1 आ, और हम ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं आगे जब ये लूप नेक्स्ट चलेगा तो R तो हमारा 0 ही रहेगा, C की वैल्यू हमारी चेंज होके हो जाएगी 1, तो अब जो आने वाली वैल्यू है 2 वो हमारे नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। ऐसे ही जब लूप R0 C2 के लिए वर्क करेगा तो आने वाली वैल्यू नेक्स्ट इंडेक्स के लिए आती चली जाएंगी। और बेटा जब इस लूप का एग्जीक्यूशन टोटल 9 टाइम्स हो जाएगा तो आप ये कहेंगे कि जो मेमोरी ब्लॉक्स हमने एलोकेट किए हुए हैं उनके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो गई। ये हमने समझने के लिए इसको इस तरीके से 2 डायमेंशन में बना लिया, जबकि मेमोरी में जो एरेज बनेंगे वो सिंगल डायमेंशनल फॉर्मेट पर ही बनेंगे, जैसा आपको इनके एड्रेस से भी क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि पहले एलिमेंट और नेक्स्ट जो एडजेसेंट एलिमेंट हैं इन दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा उतने नंबर ऑफ बाइट्स, ध्यान देना बेटा उतने नंबर ऑफ बाइट्स जो ऑक्यूपाई करेगा ये डेटा टाइप। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1003 नेक्स्ट ब्लॉक एड्रेस है, प्रीवियस 1001 है, तो दोनों का डिफरेंस मुझे मिला 2, क्योंकि कंपाइलर हम 16 बिट लेके चल रहे हैं, तो आप ये कहेंगे यहाँ पर क्योंकि इंटीजर 2 बाइट का है तो इसलिए इन दो एडजेसेंट ब्लॉक का जो डिफरेंस है वो 2 बाइट है, ठीक है।
सेम इसी पैटर्न के ऊपर अगर मैं एरे को डिस्प्ले कराना चाहूँ, तो अब आप ये कह देंगे डिस्प्ले कराने में लूप के अंदर हमें सिंपल सा एक चेंज कर देना है, स्कैनएफ की हेल्प से आपने इनपुट कराया था, प्रिंटएफ की हेल्प से आप डिस्प्ले करा लोगे। अब डिस्प्ले कराने के लिए क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिपीटेशन है, हर रो के लिए एलिमेंट्स का रिपीटेशन है, तो इसलिए आपने किया क्या, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए जो एलिमेंट्स हमने इनपुट कराए थे स्कैनएफ स्टेटमेंट को चेंज कर दिया किस प्रिंटएफ से, और ये हमारे लूप का एग्जीक्यूशन है। ये बेटा सिमिलर है बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आपने इनपुट वाले पार्ट के लिए, जैसा प्रीवियस स्लाइड में जैसे हमने यहाँ स्कैनएफ के लिए लिया था। मुझे लग रहा है दोनों स्लाइड से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये हमें एरे इनपुट और आउटपुट कैसे लेना है 2D वाले केस में। इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और ले लेते हैं। 2D एरे को मैं असाइन कर देता हूँ, और असाइन करने के बाद उसमें फिर वैल्यूज़ जो आप इनपुट भी करा लेंगे, उसको इनपुट करा के डिस्प्ले भी करा लेते हैं, दोनों काम करके देख लेते हैं। इसके लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा कंपाइलर, सी कंपाइलर का, और ये प्रोग्राम मैंने पहले से डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है, 2D एरे है, और बेटा आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही असाइन कर दिया। ये स्टेटमेंट में आप देखें, इधर मैंने एरे बनाया और एरे बनाते वक्त ही मैंने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, इस इनिशियलाइज करने का आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आप यहाँ पर एक जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपने जो असाइन की हुई वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए मैं इस स्टेप को अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ बेटा इसको, जब मैं कंपाइल करता हूँ तो इसको अब आप देखें, साथ साथ आप वॉच विंडो पे भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि वॉच विंडो के ऊपर जो चेंज आने जा रहा है वो हमारी बहुत इसमें हेल्प करेगा। आपने प्रोग्राम कंपाइल किया, और इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद अगर आप यहाँ ध्यान दें तो मेमोरी में, क्योंकि आपको जो सेट ऑफ एलिमेंट्स मिले हैं वो 9 हैं, ध्यान रखना बेटा, मैंने जो असाइनमेंट में यहाँ पर एरे के असाइनमेंट में पैटर्न लिया है, मैंने वही सेम पैटर्न यहाँ पर लिख दिया है जो कंपाइलर ने मेमोरी में मुझे दिखाया। कंपाइलर ने बोला कि भाई अगर आप सिंगल सेट ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आप कर्ली पैरेंथेसिस लगाते थे, सिंगल कर्ली पैरेंथेसिस यहाँ से यहाँ तक, पर अब क्योंकि मेरे पास 3 रोज हैं तो वो 3 रोज भी कर्ली पैरेंथेसिस के अंदर अलग अलग सेट की फॉर्म में इंक्लोज हो जाएंगी। जैसे आप देखें, ये पहला सेट बन गया मेरा, पहला कर्ली पैरेंथेसिस, लास्ट कर्ली पैरेंथेसिस। जैसे आप यहाँ से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ये वाला अगर हम कहते हैं ये सेट हमारा पहली रो हो गया, ठीक है, ये सेट हमारा दूसरी रो हो गया, ये सेट हमारा तीसरी रो हो गया, और इस पूरे को हमने इनक्लोज कर दिया कर्ली पैरेंथेसिस के अंदर, तो बेटा इसका मतलब ये 2D एरे हमने बना दिया। और इसको प्रोसेस करने के लिए मैंने वेरिएबल्स लिए हैं आर और सी, जैसा हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, और अब हम उन सेट ऑफ एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने जा रहे हैं। और डिस्प्ले करने में ध्यान रखेंगे आप, वही रो 0 से शुरू किया, और क्योंकि हमारा अपर बाउंड 2 है तो 2 तक आपने इसको चला दिया। सेम कॉलम पैटर्न के लिए आपने 0 से स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल्स टू 2 तक चला दिया, और इसका जो रिजल्ट, जो आउटपुट हमें मिलेगा वो आपको ध्यान देगा, आर हमारा 0 हो गया, लूपी कंडीशन ट्रू होने की वजह से सी पर एंटर हुए, सी 0 हो गया। अब आप बोलेंगे हम उस केस की बात कर रहे हैं जब एरे ए के एलिमेंट का जो इंटरसेक्शन, यानी कि जो रो की वैल्यू मुझे मिल रही है वो 0 मिल रही है, कॉलम की वैल्यू 0 मिल रही है, तो ये एलिमेंट हुआ हमारा ये वाला, या आप कह देंगे ये बेसिकली हम 1 की बात कर रहे हैं। और अब अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया फर्दर, तो ये हमें आउटपुट इसका 1 मिल गया, क्योंकि लूप अभी तक ट्रू है, नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिल गया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिल गया। अब क्योंकि बेटा सी की वैल्यू 3 हो गई, और 3 की वजह से हमारी ये कंडीशन सी लेस देन इक्वल्स टू 2 फॉल्स हो गई, तो इसलिए हम कॉलम वाले लूप से बाहर आ गए। बाहर आए हैं तो हमने क्या बोला हुआ भाई, जब एक रो प्रिंट हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स को न्यू लाइन से प्रिंट करना है, और हमें यह पता है कि न्यू लाइन के लिए जो एस्केप सीक्वेंस सी लैंग्वेज में हमें गिवन है वो स्लैश एन है। इसके एग्जीक्यूशन से आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन मूव हो गया, और इस बार के लिए मेरे पास आर की वैल्यू 1 हो गई। ध्यान दें, आर की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब अब मैं सेकंड रो की बात कर रहा हूँ, इस वाले की कंडीशन क्योंकि ट्रू है, आप लूप सी वाले में एंटर होंगे, और सी 0 से इनिशियलाइज हुआ, तो आप बोलेंगे अब ये वो सेट ऑफ एलिमेंट्स की बात हम कर रहे हैं जिधर आर की वैल्यू तो 1 है और सी की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 4 की, और आउटपुट हमें कुछ ऐसा ही मिल गया।
नेक्स्ट फाइव मिल गया, नेक्स्ट सिक्स मिल गया। अब बेटा कंडीशन फॉल्स है, सेम ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे नहीं लग रहा है इस पर हमें और ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है डिस्प्ले करने के लिए पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट प्रोग्राम बनाया। और साथ ही साथ अगर आप चाहेंगे कि मैं इस प्रोग्राम को इनपुट करने के लिए भी डिज़ाइन कर दूँ और आउटपुट के लिए भी, तो बेटा इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, वो आप देख सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से हमने उसमें फॉर्मेशन कर दिया कि एक ही प्रोग्राम से आप इनपुट और आउटपुट लेते हैं। विंडोज़ को आप थोड़ा सा उनको एडजस्ट कर लें। अब आप इस प्रोग्राम में देखें, जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये वो सेकंड प्रोग्राम जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट दोनों को इकट्ठा कर दिया। बस सिर्फ इसमें आपने किया क्या है, ये यूज़र फ्रेंडली बना दिया। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़र से आएंगी, ध्यान देना बेटा, क्योंकि पहले मेरे पास आर ज़ीरो था, सी ज़ीरो था, तो जो वैल्यू हमने इनपुट वन किया वो किधर आया, जीरो जीरो पार्ट पर आ गया वन। अब आप नेक्स्ट एलिमेंट के लिए इनपुट कराते हैं तो ये आपसे वैल्यू पूछता है टू। अब आप ध्यान दें, क्योंकि जीरो वन था तो इसलिए नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आ गया। फिर आपने कहा, फिर हम इनपुट कराना चाहते हैं, आपने कहा वैल्यू थ्री। अब आप भी कहेंगे आपने पूरा एक सेट इनपुट करा दिया या आपने एक रो इनपुट करा दिया, तो ये आपका कंप्लीट एक रो हो गया। और नेक्स्ट टाइम जब इसका एग्जीक्यूशन होगा बेटा, तो ये नेक्स्ट रो के लिए चलेगा। आपने कहा फोर हमने इनपुट करा दिया, ऐसे ही हमने फाइव इनपुट करा दिया, ऐसे ही हमने सिक्स इनपुट करा दिया, ऐसे ही हमने सेवन इनपुट करा दिया, ये सेवन आ गया और ये एट आ गया और ऐसे ही ये नाइन आ गया। ये आपने टोटल नाइन एलिमेंट्स इनपुट करा दिए। और ये प्रोग्राम वो ये बेटा जो प्रीवियस प्रोग्राम हमने बनाया था, जिसकी हेल्प से आप सेट ऑफ एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप ये कह देंगे 2D एरेज को हम इनपुट भी करा सकते हैं एक ही कोड से, और इसको हम डिस्प्ले भी करा पा रहे हैं। ठीक है बेटा, जो वो सेल्फ जो हमने जो थ्योरी डिस्कस की थी ये वाली, हाँ, से डबल डायमेंशनल एरे की, है ना, ये थोड़ा सा अगर आप इसका रेफरेंस लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आउटपुट हमें ये ऐसे क्यों मिल रही है। अब इसी में जो नेक्स्ट हम टॉपिक हम इसमें जो शुरू करने जा रहे हैं बेटा, वो लास्ट है इसका, तो मल्टी डायमेंशनल एरे है। जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जिसमें डायमेंशंस क्या हो, मल्टी हो, मल्टी डायमेंशनल एरे। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको D1, D2 को कंटिन्यू करते हुए अब तो मैंने DN लिख दिया। पर ध्यान रखेंगे बेटा, डायमेंशंस आप कितनी भी लें, पर 16 बिट कंपाइलर में या टेनी मेमोरी मॉडल के अंदर आप 64 किलोबाइट से ज़्यादा मेमोरी स्पेस किसी एक वेरिएबल के लिए नहीं ले सकते। हमें ये बात ध्यान रखनी है, डायमेंशन कितनी भी हो जाए। कई बार क्वेश्चन इंटरव्यू में आ जाता है कि आप एरे को कितने डायमेंशन का बना सकते हैं, तो डायमेंशन की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर हमारे पास मेमोरी की रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी मॉडल है वो हमें परमिट करता है 64 किलोबाइट्स के लिए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, खासकर इंटरव्यूज़ के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो बेटा आप ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसमें डायमेंशन तीन ली हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ हमें इसको पढ़ना कैसे है ये ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लैंग्वेजेस में सब में हर लैंग्वेज की अपनी अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। सेम यही थ्योरी अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे उर्दू के लिए बोल देते हैं कि उर्दू को हम राइट टू लेफ्ट यानी कि अपोजिट पढ़ते हैं, वही सेम कंसेप्ट अगर आप यहाँ पर एरेज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। कैसे, देखिए बहुत सिंपल वे में अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैंने सिर्फ ए के आगे ये थ्री वाला ब्रैकेट लिखा होता, यानी कि मैंने स्पेसिफिकेशन कुछ लिखा होता ऐसे A3, तो आप क्या कहते, ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। या आप बोल देंगे कि ए अपने आप में तीन एलिमेंट्स का सेट है, तीन एलिमेंट्स का कलेक्शन है। पर बेटा जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड की तरफ को बढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल में क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास इतने एलिमेंट के इतने सेट हैं। जैसे अगर मैंने 2D की बात की होती तो 2D वाले केस में, 2D वाले केस में आप क्या कह देते कि अगर ये स्पेसिफिकेशन आपके सिर्फ इतना होता, जैसे मैं इसको जरा एक बार हाईलाइट करके बता दूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं बोलता हूँ कि ये मैंने इतना बोला होता, तो आप क्या कह देते कि मेरे पास तीन एलिमेंट के तीन सेट हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्पेसिफिकेशन से ये आपको रिजल्ट मिल गया होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मैं इस सेट से और लेफ्ट की तरफ बढ़ता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास इस तरह के इतने सेट हैं। और ये स्पेसिफिकेशन अगर आप देखें तो हुआ क्या बेटा, इस पूरे स्पेसिफिकेशन का कमांड का जो रिजल्ट है वो ये आपके सामने है।
ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रिलेट करके बोलूं तो सिंपल वे में मैं क्या कह सकता हूं कि आप अगर यहां देखें, हमने कहा ये एरेज की अगर बाउंड्रीज हैं, तो बेटा एरेज की बाउंड्रीज की सिंपल थ्योरी है कि जब भी आप एरे के इंडेक्सेस की बात करेंगे, दो बाउंड्रीज में आएगा, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री, क्योंकि ये टू है, हमें पता है लोअर बाउंड्री हमेशा जीरो से शुरू होती है, और अपर बाउंड्री क्या, जो भी यहाँ पर नंबर लिखा है -1, ये मैंने लिख दिया -1। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास तीन रो तीन कॉलम वाले दो सेट हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दो सेट हैं, और क्योंकि ये पहला सेट है एरे की थ्योरी है तो रिप्रेजेंटेशन जीरो से, ये दूसरा सेट है एरे की थ्योरी है तो रिप्रेजेंटेशन वन से। अब अगर मैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये ही मेरे पास एलिमेंट है, तो इसे आप क्या कहेंगे कि ये वन और वन के क्रॉस सेक्शन से बन रहा है ना, तो आप बोल देंगे वन और वन के क्रॉस सेक्शन से बन रहा है, पर क्योंकि ये सेट जीरो का है तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, आप बोलेंगे 001। ठीक है, ये जीरो सेट को रिप्रेजेंट करने वाला और वन का इंटरसेक्शन है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेम इसी पैटर्न पर अगर आप किसी भी एलिमेंट को आप चेक कर लीजिए, सपोज मान लीजिए जैसे मैं अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करने लगूँ, तो आप इसको किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये किस इंटरसेक्शन से है, टू और टू, ये तो चलिए हमारे लिए काम आसान हो गया, हमने लिख दिया टू और टू, ठीक है ये तो 2D के लिए चल गया, पर ये एक्चुअली जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ये किस सेट को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट लिखने के लिए बने बेटा, पर ये हमारा सेकंड सेट है, तो आप इसको ये बोल देंगे कि अगर मैं कहीं ए से रिप्रेजेंट होने वाले वन 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 टू की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ये पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना है बेटा एरेज के केस में। आप एक काम इसमें ये कर सकते हैं कि एक बार आप इन स्लाइड्स को ध्यान से देख लें, लगे अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी या क्वेश्चन अगर बन रहा है, तो वो क्वेश्चन आप फिर फर्दर मुझे कमेंट्स में फॉरवर्ड कर सकते हो, और नेक्स्ट जो स्लाइड में इसके ऊपर बेटा मैं आपको बताऊंगा, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के बहुत मेजर डेटा टाइप हैं और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं इस स्लाइड को यहीं पर ओवर कर रहा हूँ। एक बहुत जनरल सा स्टेटमेंट मेरा इसके लिए रहता है कि आज के लिए इसको इतने रख लेते हैं, नेक्स्ट जो स्ट्रिंग वाला है मैं स्ट्रिंग वाली स्लाइड जो है वो जल्दी प्रिपेयर करके विद इन अ डे कल तक आपको वो मिल जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।